खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी नंबर से आया कॉल, ठग लिए लाखों रुपए, 15 दिनों में तीसरी वारदात। एक्टर कादर खान की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। बैंकिंग क्षेत्र में बड़े फेरबदल के नाम रहा साल 2018। अब देखते हैं खबर विस्तार। हमीरपुर ऑनलाइन ठगी मामले में जिला हमीरपुर में पिछले 15 दिनों में तीसरी घटना सामने आई है, जिसमें लाखों रुपए ऐठे गए हैं। ताजा मामले में जिला के सुजानपुर में रहने वाले एक व्यक्ति को पाकिस्तान के नंबर से फोन आया था। मामले में 7 लाख रुपए की ठगी हुई है। मुंबई बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन और एक्टर रहे कादर खान क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें बाइपेप वेंटिलेटर पर रखा गया है। नई दिल्ली साल 2018 बैंकिंग क्षेत्र के लिए ईयर ऑफ एग्जिट साबित हुआ। पहले बैंक के बढ़ते कर्जों से बचने के लिए बड़े कर्जदारों ने देश छोड़ दिया, जिसके बाद देश में बढ़ते एनपीए के फलस्वरूप हाई प्रोफाइल बैंकरों को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। यहां तक कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने भी साल के अंतिम दिनों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो खबरों में इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।